गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसा कि आपको पता है, इनपुट आउटपुट के हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, थोड़ा बहुत हमने उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है प्रिंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कीबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के बेसिस पे है, आपने देखा भी होगा। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपने आप में, क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि ये रैम कवर करेगा, ये रोम कवर करेगा, और साथ ही साथ में ये हार्ड डिस्क वगैरह, मतलब कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी कवर करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, तो आप तैयार रहें। इसके अगले वाले सेशन के अंदर जब हम करेंगे तो इसके टोटल कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम इसकी बेसिक थीम देखेंगे कि मेमोरी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो बिना डिस्टर्ब हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मेमोरी के बारे में बताया गया है कि मेमोरी होती क्या है। एक्चुअल में मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की एक यूनिट होती है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम आ जाते हैं, वैसे तो बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, सब नहीं पढ़ सकते हम, तो सीधे हम यहाँ आते हैं। एक्चुअल में मेमोरी क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले थोड़ा सा। मेमोरी एक ऐसी चीज होती है, चाहे हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो उसके सीपीयू के अंदर होती है। अगर ये मेरे पास में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होगा वो सीपीयू जो है वो उसकी मेमोरी कहलाएगा। ठीक है, और इसके बिना ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, चाहे आप कीबोर्ड भी लगा लो तब भी। ठीक है, तो यदि मुझे कंप्यूटर की मेमोरी चाहिए तो वो उसके सीपीयू में मिलती है। और मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डेटा आप यहाँ एंटर करेंगे ना, जितना भी डेटा आप यहाँ एंटर करेंगे वो सारा की सारा डेटा जाके सेव कहाँ होगा? दिखाई तो आपको डेस्कटॉप पे देगा, लेकिन वो सेव कहाँ होगा? वो सीपीयू के अंदर जाके सेव होगा, उसकी मेमोरी में। ठीक है, तो मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन माइंड के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। उसी तरीके से कंप्यूटर की भी दो तरह की मेमोरी होती है। सबकॉन्शियस मेमोरी और कॉन्शियस मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉन्शियस मेमोरी ऐसी होती है जो मिटाई जा सकती है, जो कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है डेटा को, जो भी हम पढ़ते हैं उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास रखती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी सेव होता है वो परमानेंट सेव होता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो भी कुछ इसी तरीके का काम करती है। कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली होती है सेमीकंडक्टर और प्राइमरी और मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी या मेन मेमोरी के नाम से बेसिकली इसको जाना जाता है, सेमीकंडक्टर दूसरी बात है, प्राइमरी और मेन मेमोरी इसको बोलते हैं हम। और दूसरा होती है मेमोरी हमारी सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, जो बैकिंग स्टोर करती है, जिसको हम बैकिंग स्टोर करने को बोलते हैं ना, हम डेटा स्टोर कर लेते हैं हम। तो हमारी जो मेमोरी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट में डिवाइड होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है ये जरा हम देख लेते हैं। जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर, इसको हम रब कर देते हैं, प्राइमरी मेमोरी के तीन सेक्शन होते हैं हमारे पास में। प्राइमरी मेमोरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉरी, प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी और कैच। ये कैच जो है ये नया है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल एक ये जो कैच है ये नया है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो चार सेक्शन में डिवाइडेड रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोम, जो हम बेसिकली पढ़ते हैं। कैच के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन कैच से पहले हम आते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी होती है हमारी रैम। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म पे आते हैं सबसे पहले। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्चुअल में कहते किसको है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि हमारे पास में परमानेंट होती है। ये एक ऐसी मेमोरी है जो परमानेंट होती है, मतलब एक बार इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो गया तो वो कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता, या उसको करना है तो उसके कुछ मेथड होते हैं रिमूव करने के। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी होती है जिसको हम डेटा जिसमें से रिमूव कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद उसमें से डेटा रिमूव हो जाता है। बात समझ में आ रही है। वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या है, रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम होता है, नाम से ही समझ में आएगा, रीड ओनली मेमोरी। सबको पता होगा मेरे हिसाब से, रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी वर्किंग सबको नहीं पता होगी, एक्चुअल में रोम करता क्या है। रोम के अंदर आपकी बूटिंग स्टेप्स होती हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करते टाइम पे हमें कंप्यूटर को बूट करना पड़ता है, और कंप्यूटर की जो बूटिंग स्टेप्स होती हैं, जो कंप्यूटर की स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग होती है
वो यहाँ सेव होती है, या हम कहें तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यहाँ सेव होता है। जब भी मैं कंप्यूटर को चलाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करते टाइम पे उसकी सारी प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस? वो अपने सारे कनेक्शन चेक करता है कंप्यूटर। सबसे पहले मैं प्रॉपरली सीपीयू से कनेक्टेड हूँ या नहीं, मैं इनपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड हूँ या नहीं, मैं माउस से कनेक्टेड हूँ, ये सब चीजें वो चेक करता है, ठीक है। और ये सब चीजें चेक किसके अंदर होती है? रोम के अंदर। यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लिखी रहती है कंप्यूटर के अंदर पहले से ही। जब कंप्यूटर बनाया जाता है या लैपटॉप बनाया जाता है तो उसमें पहले से ही प्रोग्रामिंग लिख दी जाती है रोम के अंदर। इसको बूटिंग स्टेप भी कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो बूटिंग स्टेप कौन परफॉर्म करता है? रोम परफॉर्म करता है। ऐसे ही जब मैं रैम की बात करता हूं तो रैम की फुल फॉर्म होती है मेरे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी डेटा को रैंडमली कुछ टाइम के लिए एक्सेस करता है, फिर उसे रब कर देता है, उसे मिटा देता है, ठीक है, क्योंकि फिर दूसरा डेटा उसको एक्सेस करना होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये वॉलेटाइल होती है, और ये नॉन वॉलेटाइल मतलब इसको चेंज किया जा सकता है बार बार इसके अंदर के डेटा को, लेकिन इसके अंदर के डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। यहां तक की बात समझ में आ रही है सबको? आगे चलते हैं। एक थर्ड सेक्शन है हमारे पास में कैच। ये जो कैश मेमोरी होती है इसको एक्चुअल में कैश मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी लैपटॉप्स में आना स्टार्ट हुई थी बाद में, ठीक है। कैश मेमोरी का काम क्या होता है? अब क्या है, हम जितनी भी प्रोसेसिंग करते हैं वो काफी बल्की होती है, काफी लेंदी होती है, काफी भारी होती है, उसे रैम संभाल नहीं पाता है। रैम के अंदर भी वही काम होता है जो कैश के अंदर होता है, लेकिन रैम जो प्रोसेस करता है, तो अगर हमारे कंप्यूटर में लोड बहुत ज्यादा है, रैम उसे नहीं संभाल पा रहा, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए डेटा किसके अंदर सेव हो जाता है? कैश के अंदर सेव हो जाता है। आपको पता है जब आप क्या चलाते हो, गूगल क्रोम चलाते हो या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हो, तो उसके अंदर एक कैश मेमोरी होती है। वो कैश मेमोरी करती क्या है एक्चुअल में? कैश मेमोरी आप जो भी चीज सर्च करते हो उसके लिंक्स को, उसके यूआरएल को सेव करके रख लेती है। मतलब इन फ्यूचर यदि कभी आपको उसकी नीड है तो कंप्यूटर आपके वन क्लिक पे उस साइट को ओपन कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कैश होता है, ये कैश हमारे पीसी में इसीलिए यूज किया जाता है ताकि रैम के ऊपर लोड कम पड़े, अदरवाइज रैम के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, ठीक है। यहां तक की बात सबको आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। रोम का रोल समझ में आ गया। रोम का बेसिक रोल क्या होता है? कंप्यूटर को बूट करना। इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है जो प्री इंस्टॉल्ड होती है। जब आप नया पीसी खरीदते हो तो नया पीसी खरीदते टाइम पहले से ही उसके अंदर इंस्टॉल्ड आती है, वो आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ती। रैम क्या काम करता है? रैम के अंदर आप जो भी काम करोगे वो सारा की सारा काम जो होता है वो कुछ टाइम के लिए सेव हो जाता है, और उसके बाद जब आप दूसरी प्रोसेस करोगे तो वो जो डेटा है वो हट जाएगा और नया वाला डेटा उसके अंदर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ये सब मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, देखो प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? कंप्यूटर को चलाने का काम करती है। इसके बिना आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, इसलिए इसको प्राइमरी बोला है। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है? जो भी काम आपने प्राइमरी मेमोरी के साथ किया है, जो कुछ भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, उसको कहीं ना कहीं रखना भी तो पड़ेगा ना, इसलिए उसको रखने के लिए हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। उस स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, जहां पे आपके रखे हुए डेटा को सेव किया जाता है। तो वो कौन कौन से चीजें हो सकती है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल हार्ड डिस्क जो आपके पीसी के साथ आती है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये डेटा को सेव करने का काम करती है। सीडी रोम जो कि क्या करेगी? डेटा को सेव करने का काम करेगा, सीडी के डेटा को सेव करने का काम करेगा। पेन ड्राइव जो रैंडम किसी के भी कंप्यूटर के डेटा को सेव करने का काम करेगा। फ्लॉपी भी यही काम करती है और डीवीडी भी सेम काम करती है। बात समझ में आ रही है? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए रैम की फुल फॉर्म आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, बच्चों की चीज है, ये हमें आता होगा। आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्या बोल रहा है, देखिए प्राइमरी मेमोरी के टाइप आ गए। अब देखो हम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आज के दिन हम इस चैप्टर को पूरा कर सके। प्राइमरी मेमोरी के टाइप, प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? कंप्यूटर मेमोरी यूजुअली रेफर्स टू अ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये आपके काम की चीज नहीं है, छोड़ दो। दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है काम का चीज? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी काम में आती है, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में होती है? आईसी का यूज किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्राइमरी मेमोरी में किसका यूज किया जाता है? आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो तरह की होती है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, मैं आपको समझा चुका हूँ। वॉलेटाइल मेमोरी में हमने क्या पढ़ा था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या काम करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी? किसी भी डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। इट वर्क विद द सीपीयू टू होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस। कब तक के लिए स्टोर करके रखती है ये अपने पास? जब तक कि प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती इंस्ट्रक्शन और डेटा के ऊपर। और जैसे ही प्रोसेस पूरी होती है ये उस डेटा को छोड़ देता है और जो नई प्रोसेस होती है उसके डेटा को अपने अंदर सेव कर लेता है। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, बाकी चीजें काम की नहीं है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज नोट करते चलिएगा, रैम जो होती है वो कितने कितने स्टोरेज में आती है हमारे पास? 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 GB की फॉर्म में हमारे पास आती है, ठीक है। अब तो 1 GB से ज्यादा भी आ रही है हमारे पास, 2 GB की फॉर्म में भी आ रही है और 4 GB के वेरिएंट भी आ रहे हैं हमारे पास। बात समझ में आ रही है? तो रैम की जो स्टोरेज है अब धीरे धीरे हम क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम तरह तरह की प्रोसेस करते हैं, गेम इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इसलिए रैम की स्पेस को बढ़ाना जरूरी हो गया। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल बनता है कि रैम के दो टाइप कौन कौन से होते हैं। दो तरह की रैम मार्केट में अवेलेबल होती हैं, एक होती है डायनामिक रैम और एक होती है स्टैटिक रैम। आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर स्टैटिक रैम होती है, आपने सुना है ना, हमें मार्केट में मिलती है DDR1, DDR2, DDR3, ये पहले से चली आ रही है। इस समय DDR4 चल रही है प्रेजेंट में, ठीक है, DDR3 और DDR4 चल रही है। तो स्टैटिक रैम इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए। डायनामिक रैम एक ऐसी रैम होती है जो कुछ टाइम के लिए डेटा रखती है, बाद में उसको छोड़ देती है। डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग, बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी इसके अंदर डेटा सेव रहेगा। ऑफ इट्स कंटेंट इज लूजेस इट कॉन्टेंट, क्या किसके लिए फॉर्म में? इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि डायनेमिक रैम जो मेरे पास में होती है वो किसी भी डेटा को केवल तब तक स्टोर रख पाती है जब तक हम उसे रिफ्रेश कर रहे हैं। जैसे ही आपने उसे रिफ्रेश करना बंद किया, चालू कंडीशन में भी डायनेमिक रैम के अंदर से वो डेटा खाली हो जाएगा। और वो कितने टाइम के लिए सेव होता है? वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये सस्ती भी इसीलिए होती है क्योंकि ये डेटा बहुत थोड़े ही समय के लिए स्टोर कर पाती है। बात समझ में आ गई? डायनेमिक रैम क्या होती है? चालू पीसी में या चलते हुए लैपटॉप में भी यदि आपने रिफ्रेश करना बंद कर दिया कंटेंट को, तो डायनेमिक रैम के अंदर जो भी सेव है वो हट जाएगा। जबकि स्टैटिक के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टैटिक रैम के अंदर क्या होता है? स्टैटिक रैम के अंदर इट डजंट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके अंदर डेटा तब तक सेफ रहता है या तब तक सेव रहता है जब तक कि कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही एक बार आपका कंप्यूटर बंद हुआ, इसके अंदर का डेटा भी साफ हो जाता है। लेकिन डायनेमिक के अंदर क्या होता है? जैसे ही आपने रिफ्रेश करना बंद किया, तो चालू पीसी में भी आपका जो डेटा है वो डायनेमिक रैम में से हट जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ये फास्टर होती है डायनेमिक रैम से। तो डायनेमिक रैम से फास्टर कौन होती है? स्टैटिक रैम। स्लोअर कौन होती है? डायनेमिक रैम। बात समझ में आ रही है? आगे चलें, कैश मेमोरी की बात कर रहा है। देखो, कैश मेमोरी क्या होती है? फास्टर होती है, छोटी होती है और महंगी होती है। कैश मेमोरी फास्टर होती है, कॉस्टलियर होती है और टेम्पररी स्टोरेज की होती है, कुछ ही समय के लिए रख सकते हो। देखो, मेन मेमोरी क्या कहा? पहले रैम से सीधा डेटा किस पे जाया करता था? सीपीयू में जाया करता था पहले के टाइम में। उससे क्या होता था? हैंग होने की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस हैंग होने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? बीच में कैश मेमोरी को इंस्टॉल किया गया। अब क्या होता है? अब कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा यदि मेन मेमोरी यानी रैम में आता है, तो सबसे पहले वो कैश में जाता है, वहां से प्रोसेस होकर के वो सीपीयू में जाएगा। और जब तक कि नहीं हो रहा, ये मेन मेमोरी को खाली रखेगा और उन इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर सेव कर लेगा,
ताकि मेन मेमोरी खाली रहे और पीसी जो है हमारा वो हैंग ना हो। बात समझ में आ रही है? तो कैश क्या करता है, ब्रिज का काम करता है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, ठीक है। और इसका जो स्टोरेज होता है वो बहुत कम होता है। आपने देखा होगा जब आप नया लैपटॉप लेने जाते हो तो 3 MB या 4 MB के से ज्यादा का इसका स्टोरेज नहीं होता मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जो डेटा रहता है, वो इससे ज्यादा नहीं होता। आपके जो भी URLs वगैरह होंगे, जो भी आप कंप्यूटर के इंटरनेट में स्टोर करके रखते हो, वो भी KBs में होते हैं, MBs में भी नहीं होते, ठीक है। तो ये ब्रिज का काम करता है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। आगे आते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल के अंदर कौन आती है? रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। एक बार जो इसके अंदर लिख गया वो मिट नहीं सकता, लेकिन बात करेंगे आगे। इसीलिए जो इसके ड्रॉबैक्स थे उनको हटाने के लिए आगे इसके अलग अलग वेरियंट है। रोम कब इंस्टॉल कर दिया जाता है? तो रोम के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो तभी इंस्टॉल कर दी जाती है जब आपका पीसी जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। जब आपका पीसी जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उसी समय इसके अंदर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर दी जाती है। क्या प्रोग्रामिंग होती है? आपने देखा होगा जब आप अपना पीसी ऑन करते हैं तो उसके अंदर विंडोज का एक साइन बना हुआ आता है, एक साउंड आती है, बूटिंग होती है। ये सारी प्रोसेस कौन कर रहा होता है? ये कर रहा होता है रैम, सॉरी ये कौन कर रहा होता है? ये कर रहा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब पहली बार रोम हमारे मार्केट में आई तो उसको हम इरेज नहीं कर सकते थे, उसके डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते थे, जो आ गया वही। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में अगर XP आपने डाल लिया अपने पीसी में शुरुआत में तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। XP है तो वो XP ही चलेगा जब तक कि आपका पीसी खराब नहीं हो जाता। अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि आप अपने पीसी के अंदर XP भी रख रहे हो, विंडोज 10 भी रख रहे हो, उसको चेंज करके विंडोज 7 भी रख रहे हो, विस्टा भी रख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी रोम को इरेज कर पा रहा हूँ, इरेज कर पा रहा हूँ इसलिए तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें अपलोड कर पा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जो नए वेरिएंट आए हैं रोम के उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको आप पढ़ते रहिएगा अपने हिसाब से थ्योरी को, ठीक है। देखो किस काम में आता है ये, दीज परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम आर कॉल्ड बायोस। ये एक क्वेश्चन बन गया अपने आप में। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या काम करता है? बायोस काम करता है ये चेक करने का कि आपके पीसी के जो इनपुट आउटपुट है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। ऑन द कंप्यूटर बायोस कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्क ड्राइव। बात समझ में आ गई क्या काम करता है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए रोम में कुछ प्रॉब्लम आई कि बोले एक बार अगर कुछ प्रिंट हो गया तो उसको मिटा नहीं सकते, इसलिए इसके अलग अलग वेरिएंट आए। पी रोम आया, ईपी रोम आया, और क्या आ गया? डबल ईपी रोम, जिसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये वेरिएंट क्यों आए? क्योंकि जब रोम स्टार्टिंग में काम कर रहा था तो उसके अंदर के इंस्ट्रक्शन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिमूव नहीं कर सकते थे। तो क्या कहा गया कि ऐसा होना चाहिए ताकि आदमी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या अपने सिस्टम को अपग्रेड कर पाए। इसलिए सबसे पहले पी रोम आया। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आया सबसे पहले, ठीक है, कि आप अपनी रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम को प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ बाउंडेशन थी, कुछ लिमिटेशन थी। अगर आपको अपने रोम को प्रोग्राम दोबारा से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बर्न करना पड़ेगा। किसके अंदर? किसके अंदर बर्न करना पड़ेगा? इन पी रोम इंस्ट्रक्शन कैन बर्न वंस, केवल एक बार हो सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है? केवल एक बार ही आप पी रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन को बर्न कर सकते हो। देन इट इज अल्टरनेबल, ठीक है। Then it is unalterable, मतलब उसके बाद आप नहीं कर सकते। मतलब रोम के अंदर तो आप केवल एक बार डाल सकते हो, पी रोम के अंदर आप केवल दो बार डाल सकते हो। एक बार डाला, उसको मिटाया, दूसरी बार डाला, उसके बाद नहीं डाले, ठीक है। तो यहां पे भी मुझे बाउंडेशन लगी कि बोले अब दोबारा अपग्रेडेशन आएगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैं एक नया वर्जन लाया इसका, ईपी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि ये बार बार इरेज तो हो जाएगा, लेकिन इसको इरेज करने के लिए मुझे अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे अपनी रोम को बाहर निकालना पड़ेगा पीसी या लैपटॉप से, और इसके बिना वो राइट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये बार बार रीराइट जरूर किया जा सकता है, इसकी एक अच्छी खासियत थी।
ठीक है, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम भी कहा जाता है, कि इरेज तो होगा लेकिन अल्ट्रा वायलेट से होगा। क्लियर है? तो यहां भी लोगों को बाउंडेशन लगी कि यार अल्ट्रा वायलेट लाओ, उसके अलावा इसको बाहर निकालो तब जाके कर पाएंगे। तो फिर और एडवांस वर्जन आया जिसको क्या कहा गया, डबल ईपी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब इसके अंदर ना तो आपको उसे पीसी से रिमूव करने की जरूरत थी, ना ही आपको अल्ट्रावायलेट वेव की जरूरत थी, आप डायरेक्टली उसे बर्न कर सकते थे इलेक्ट्रिकली रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे प्रोसेस इलेक्ट्रिकली पल्स से ही होते हैं, तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर ही कर सकते हो ये काम। आप करते हो ना बूटिंग स्टेप, देखते हो कई बार YouTube पे, कई बार क्या दिखाया जाता है हमें कि किस तरीके से आप अपने फोन को बूट कर सकते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल पल्स के द्वारा ही होता है वो काम। ठीक है, तो अब जो रैम रोम जो हमारे पास में यूज आ रही है पीसी और मोबाइल के अंदर, वो डबल ईपी रोम है। ठीक है, जिसको आप बार बार भी कर सकते हो रिमूव, मतलब इरेज, और साथ ही साथ में इंटरनली बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है। यहां तक की मेरे को हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं सेकेंडरी कौन सी होती है हमारे पास, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी भी इसको हम बोलते हैं। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, मैंने आपको समझाया ना, क्योंकि बेसिक फंक्शनलिटी करने के लिए मुझे रैम रोम की जरूरत है, इसलिए हमने उनको प्राइमरी या मेन कह दिया, और स्टोरेज करना हमारा सेकेंडरी काम है, इसलिए हमने उसको सेकेंडरी मेमोरी कह दिया। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है आप सब जानते हैं, बस मैं आपको स्टोरेज के बारे में बताऊंगा। हार्ड डिस्क आपको पता है दो तरह की, एक एक्सटर्नल इंटरनल, लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर किसका यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन ये बनता है, हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता है, मतलब मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मैग्नेटिक टेप होती है जो रोटेट करती है, उन्हीं के ऊपर डेटा स्टोर किया जाता है। बात समझ में आ गई कि हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह की दिखती है, इसके ऊपर एक सॉकेट लगा रहता है जो कि डेटा को रीड करने का काम करता है। ये देखिए, ये लगा हुआ, ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप है आपके पास, ये डिस्क बोल सकते हो उसको आप, और इसके ऊपर ये लगा रहता है जो कि इसके ऊपर जो कंटेंट आपके ऊपर डाउनलोड हो रहा है, जो भी ऐड हो रहा है यहाँ पे, उन सबको ये डिस्प्ले पे दिखाता रहता है या आपको बताता रहेगा क्या क्या आपने स्टोर किया हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसकी फंक्शनलिटी इतने काम की नहीं है, आप पढ़ लेना। कितने कितने जीबी के वेरियंट में आता है, तो बेसिकली हार्ड डिस्क जो होती है 10 जीबी 20 जीबी 40 जीबी 80 जीबी, और अब तो 100 जीबी का वेरियंट भी आता है जिसको क्या बोलते हैं, 1 टेराबाइट, 1 टीबी भी हमारे पास में आता है, 1024 जीबी, सॉरी इसको सही कर लेना, 1024 जीबी, मतलब 1 टीबी 1 टेराबाइट का वेरिएंट भी अब तो आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। फ्लॉपी डिस्क बहुत पुराना इस्तेमाल किया जाने वाला ये हमारे पास में एक तरह का डिस्क है, इसमें भी हमारे पास में रिमूवेबल मैग्नेटिक टेप या डिस्क या टेप जो भी आप बोलना चाहो उसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले के टाइम में ये 3 साइज में आया करती थी, ठीक है, 8 इंच की भी आती थी, 1/4 इंच की भी आती थी, और 3.5 इंच की भी आती थी। यहाँ जो आप देख रहे हो वो दो है, 3.5 और 5.25। ठीक है, तो बेसिकली जो इस्तेमाल की जाने वाली होती थी वो 5/1/4 वाली होती थी। ठीक है, फ्लॉपी के अंदर स्टोर होने वाला डेटा बहुत ही कम होता था, इसीलिए ये बहुत जल्दी मार्केट से गायब हो गई, और तुरंत क्या आ गया उसकी जगह पे, सीडी और डीवीडी आ गए। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क भी सेम चीज होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये प्लास्टिक की बनी होती है, बाहर से चौकोर शेप में होती है। ठीक है, और बेसिकली जो जनरली यूज में आने वाली होती है वो होती है हमारे पास 5/1/4 इंच की। इसका बेसिक स्टोरेज कितने से कितने तक का होता है, ये 100 KB से 1.2 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है जनरली। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन साइज होती है जो इसके लिए काम में आती है वो 360 KB से लेकर के 1.2 MB की होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, द कॉमन साइज ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर एंड द प्रीडिसेसर ऑफ द टू दिस 8 इंच फ्लॉपी डिस्क, इट इज जनरली कैपेसिटी ऑफ 100 से 1.2। ठीक है, और द मोस्ट कॉमन साइज इज 360 KB टू 1.2 MB, ये ध्यान रख लो, मतलब इसका मैक्सिमम तो 1.2 ही रहेगा और मिनिमम आप इसका 100 KB बोल सकते हो। ठीक है, 360 KB तो मीडिएटर हो गया, बीच का हो गया एक। ठीक है, तो 100 से लेकर के 1.2 MB के बीच में इसमें डेटा स्टोर
हो जाता है, जो कि बहुत कम है आज के टाइम में। इसलिए फ्लॉपी का स्लॉट भी आना बंद हो गया कंप्यूटर में, और फ्लॉपियां आनी भी बंद हो चुकी है। एक 3.5 इंच की भी होती है जो इतने काम नहीं आती थी। मैग्नेटिक टेप आप जानते हो, मेरे हिसाब से इसको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो इसके अंदर आने वाली मैग्नेटिक टेप की लेंथ होती है 2400 से लेके 3600 फिट लॉन्ग होती है, ठीक है। और हाफ एंड इंच विड्थ, इसकी जो विड्थ होती है वो 1 इंच की आधी होती है, ठीक है। तो ये स्टोर कहाँ करता है अपना डेटा? ये स्टोर करता है मैग्नेटिक टेप के ऊपर, मैग्नेटिक टेप के ऊपर ये अपना डेटा स्टोर करता है। यहां तक बात क्लियर है? सीडी रोम और सीडी आर और सी, आर और डब्ल्यू, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। सीडी रोम क्या होती है? कॉम्पैक्ट सीडी का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपकी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क ये होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी कॉमन साइज होती है 350 MB की। कॉमन साइज जो मार्केट में मिलती है 350 MB की मिलेगी आपको, और कहां तक जा सकती है? 1 GB तक ये जा सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब सीडी रोम क्या करता है? सीडी रोम ये होता है कि एक बार जो आपने सीडी के ऊपर लिख दिया, राइट कर दिया, अब आप उसको मिटा नहीं सकते हो। अब ये किसी काम की नहीं है अगर ये कंटेंट आपका काम का नहीं है, ठीक है। और इसकी कहां से कहां तक होता है? 650 MB से लेकर के कहां तक हो सकता है? ये 1 GB तक हो सकता है। हमें इसके अंदर प्रॉब्लम आने लगी, इसलिए हमने क्या किया? देखो, सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव की जरूरत होती है, और इस पे लिखने के लिए सीडी राइटर की जरूरत होती है, ठीक है। और एक ही बार आप इसके ऊपर लिख सकते हो। ये प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए हमने क्या क्या किया, सीडी को तो दोबारा राइट करना चाहिए, तो हमने क्या बनाया, सीडी आर ओ डब्ल्यू। तो आजकल जितने भी कंप्यूटर और लैपटॉप्स हैं उसके अंदर ये आ रहा है, सीडी आर और डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, मतलब आप इसमें पढ़ भी सकते हो और दोबारा लिख भी सकते हो। उसमें केवल क्या था कि आप केवल पढ़ सकते थे, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, मतलब ये रीराइटेबल होती है। ये कैसी होती है? रीराइटेबल होती है, ठीक है। तो सीडी आर स्लैश डब्ल्यू इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल डिस्क, डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क थ्रू द यूज ऑफ लेजर, बट इट कैन बी इरेज। इसको मिटाया जा सकता है और दोबारा लिखा जा सकता है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का डेटा स्टोरेज यही होता है। नेक्स्ट आते हैं डीवीडी। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडी की पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। इसका स्टोरेज भी काफी ज्यादा होता है। इसका जो मिनिमम स्टोरेज होता है वो होता है 4.37 GB का। मिनिमम स्टोरेज कितना होता है? 4.37 GB का। और जो मैक्सिमम स्टोरेज होता है वो होता है 17 GB का। मैक्सिमम स्टोरेज जो होता है 17 GB का। और कंप्यूटर में या लैपटॉप में अगर आपको चलाना है तो डीवीडी रोम होना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं चलेगा। डीवीडी प्लेयर एंड डीवीडी मोस्ट कंप्यूटर डीवीडी रोम, ये होना जरूरी है, तभी सीडी काम करेगी। तो अब कंप्यूटर के अंदर ये आता है, और वो किसको भी सपोर्ट करता है? सीडी रीड राइट को भी सपोर्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हमारी नीड के अकॉर्डिंग नए नए इन्वेंशन हुए और नई नई चीजें हमारे सामने हैं। और जब हम डीवीडी से भी परेशान हो गए कि नहीं यार केवल 17 GB, तो हमने एक नई चीज को इनोवेट कर दिया, दैट इज पेन ड्राइव, ठीक है। अब ये पेन ड्राइव कितने तक कर सकती है? ये 64 MB से लेकर के, ये तो बहुत कम हो गया, 1 GB बोल सकते हो आप, 1 GB से लेकर के 256 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है ये, ठीक है। और ये किस तरह की डिवाइस है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन ड्राइव इज एन डबल ईपी रोम टाइप मेमोरी, पेन ड्राइव इज एन डबल ईपी रोम टाइप मेमोरी, ये ध्यान रखना। ये डबल ईपी रोम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पेन ड्राइव, ठीक है। मतलब क्या हुआ? पेन ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसके अंदर डेटा अगर लिख गया तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, दोबारा नया लिख सकते हो, एक पीसी से दूसरे पीसी में ट्रांसफर भी कर सकते हो। उसके क्या क्या डाल सकते हो आप? डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो, ये तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बस इसका कंटेंट देख लेना, कितना सेव ये अपने आप में कर सकती है। फ्लैश मेमोरी, ये भी एक तरह का एक अच्छी चीज है फ्लैश मेमोरी भी। फ्लैश मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश रैम भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये भी नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। कंप्यूटर स्टोरेज होती है, डेट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। फ्लैश मेमोरी भी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है और रीप्रोग्रामेबल होती है, ठीक है। इसमें डेटा कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि क्या देखा आपने, सेलफोन के अंदर होती है, डिजिटल कैमरा के अंदर होती है, और
डिश टीवी के अंदर होती है। आपने देखा जब हम डिश टीवी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय हमारे पास में डिश टीवी का लोगो आता है, सिंबल आता है। फोन स्टार्ट करते हैं तो आता है, सेल फोन स्टार्ट करते हैं तो आता है, डिजिटल कैमरे में आता है। ये फ्लैश मेमोरी क्या करती है, कुछ टाइम के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे डिजिटल सेट ऑफ बॉक्स है तो बीच में एक प्रोसेसिंग का सेक्शन आता है, जब प्रोसेसिंग होती है फिर टीवी चालू होता है। तो यहाँ पे क्या काम में आता है, यहाँ पे काम में आता है फ्लैश रैम। ऐसे ही सेलफोन चालू होने के बाद में कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग होती है, वहां क्या काम में आता है, फ्लैश रैम काम में आती है। ठीक है, तो फ्लैश रैम क्या होती है, एक तरह की नॉन वॉलेटाइल ही होती है, ये भी एक तरह की रैम है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम, इरेजेबल और रीप्रोग्रामेबल होती है। ठीक है, जो अपडेट्स आते हैं डिश टीवी के अंदर वो भी इसी के थ्रू आते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, तो आज के दिन हमने थोड़ा फास्ट जरूर चले लेकिन हमने कंप्लीट मेमोरी कंप्लीट कर ली, तो कितनी तरह की वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश जो भी है वो सारे की सारी मेमोरी हम कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर कर हम देखेंगे उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा मेमोरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर से एक बात कहूंगा, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच।